मथुरा में विभिन्न संगठनों के लोगों ने 75वां भारतीय संविधान दिवस मनाकर विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किया याद। मथुरा जनपद भर में विभिन्न संगठनों द्वारा सोमवार को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। विभिन्न संगठनों के लोगों ने विश्व रत्न भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया। विश्व रत्न भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपने अपने कार्यालयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून, मौलिक राजनीतिक संहिता, संगठनात्मक संरचना, संचालन प्रक्रियाओं और सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारियों के साथ साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी दी और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। झूठा वादा किया, आप बताइए रास्ता में भाजपा 450 रुपए का वादा कर रही है सिलेंडर का। मैं उस कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में, आप मैं पूछना चाहता हूँ योगी मोदी सरकार को, क्या मथुरा में और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? ये केवल झूठे वादा करते हैं, ये फरेबी है। राजस्थान में एक नाम दिया था और मैं नहीं कहना चाहता और मोदी का कि मैच हुआ हमारे खिलाड़ी अच्छी तरह खेल रहे थे, लेकिन सभी जातियों के साथ छुआछूत को खत्म किया, उनको आरक्षण दिया, उनको अधिकार दिया। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी बड़े नेता हों, इस संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आपने महसूस किया होगा चाहे आरएसएस के मोहन भागवत जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, इस संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर समय भारतीय की जनविरोधी नीति है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा और राया में पटाखा अग्निकांड हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी थी कि जिसने डटकर विरोध किया है, और आपने देखा होगा मैं उस गांव गया था नौजिल में जहां पर 4 हत्या हुई थी और उसके बाद राया हुई, कुल मिला के अभी तक 12 जो है। आज संविधान का 75वां दिवस मनाया गया, क्या कहेंगे आज? देखिए संविधान दिवस मनाया गया है क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान जो है हमारे जो विदेशों से लेकर के और हमारे जो अच्छाइयाँ थी उन सबको ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने संविधान जो है बनाया था, और एक्सपर्टों की टीम बैठी थी जिसके मुख्य रूप से बाबा साहब उसके चेयरमैन थे, और आज उन्हीं के रूप में हमने संविधान दिवस मनाया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक संविधान पर चलने वाली है और ये बीजेपी जो सरकार है ये संविधान से छेड़छाड़ करने में नहीं चूकती है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे कार्यकर्ता आए थे और हमने कार्यकर्ताओं को अपना हिंदू मुस्लिम पे नहीं बांटना, जाति वाति पे नहीं बांटना, ये देश संविधान पे चलने वाला देश है, संविधान से चलेगा, इस पर हमने अपना विचार रखा है। और जैसे कि आपको जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया और भी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा, और हम जो है पूरी तरह से संविधान को मानने वाले हैं। इस अवसर पर हम सबको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय का संविधान निर्माण बनाया गया, क्या कहेंगे? आज 26 नवंबर को संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा पूर्ण करके समर्पित किया गया था, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पुनः धन्यवाद देते हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी आज जिला कार्यालय पर संविधान दिवस मनाया। इससे पूर्व हमने गांव-गांव जाकर दलित चौपाल लगाई, पूरे जनपद, पूरे ब्लॉकों, पूरे नगरों में हमने
दलित अधिकार पत्र भरवाए गए और आज के दिन हमको जिला कांग्रेस कमेटी को सभी ब्लॉकों पर सभी नगरों से दलित समाज के जिन्होंने चौपाल लगाई थी उनको जो संयोजक थे उनको आज यहाँ बुलाया। जिला लेवल पर हमने कमेटी दलित समाज की गठित की है जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अजय कुमार जी के निर्देश पर की गई है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है और आने वाले भविष्य में दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ आपने देखा होगा अगर राजा में अग्निकांड हुआ था जिसमें दलित समाज के और चार ब्राह्मण समाज के अग्निकांड से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार प्रदेश सरकार ने कोई भी कार्य हमारे लिए उन दलित समाज के लिए मृत हुए उनके परिवारजनों को कोई नहीं किया। मैंने बार बार योगी मोदी से अनुरोध मिलने का समय मांगा लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। साथ ही साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया और दलित और ब्राह्मण समाज की आवाज़ को दबाने के लिए इस योगी सरकार ने हमारी जवाब आवाज़ को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया और हमको गिरफ्तार करके नज़रबंद किया कई बार, लेकिन इससे कार्यकर्ता न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पर निपटेंगे, लेकिन वो दलित समाज को न्याय दिला के निश्चित रूप से मानेंगे। साथ ही साथ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तय की है और हमने निश्चय किया है कि घर घर जाकर द्वारे द्वारे जाकर जनता के 2024 माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी प्रयास करने पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ता राय तैयार है। राय में जो अग्निकांड हुआ था उनकी मृत्यु हुई है, 4-4 लाख रुपए दिए गए। राय हम जो अग्निकांड हुआ था दीपावली के पटाखों के कारण उनको 4-4 लाख रुपए दिए। मैं ये पूछ रहा चाहता हूँ जिसके 4-4, 5-5 बच्चे हैं उन 4 लाखों से क्या होगा उसका? मैंने देखा एक एक घर में 4-4 मौत हो चुकी हैं, 4-4 महिला विधवा हो चुकी हैं, उनके बच्चे वो शादी के लिए उनकी पढ़ाई के लिए हैं, वो निश्चित रूप से माने जीरो के बराबर है। 4 लाख रुपए समझो 1% भी है, जब तक 50 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाएगी, एक सरकारी मकान नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, संघर्ष करती रहेगी। चाहे इस भारतीय जनता पार्टी हमारे पास कितना भी अत्याचार कर रहा है, हम जितना अत्याचार करेंगी, जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे साथ अत्याचार किया उनको इस देश छोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया था, आज वही समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ने के लिए, गद्दी से उखाड़ने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पुलिस की लाठी खानी पड़े, लेकिन उन्होंने जो है राय आगे कांड के पीड़ित हैं उनको निश्चित रूप से न्याय दिला के मानेंगे। जब तक जिला कांग्रेस कमेटी चुप नहीं बैठेगी संघर्ष हमारा जारी है।